हेलो टू ऑल पीजन लवर्स, मैं पीएन टीप सुभाषिश चैन से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल पे देखे ही होंगे, जो कबूतर को लकवा हो जाता है या झोला हो जाता है, जिसको नेक ट्विस्टिंग कहा जाता है, या फिर मतलब गर्दन जो एकदम टेढ़ी रहता है, पूरा गर्दन टेढ़ी कर देता है, या फिर जो ऐसे स्प्रिंग की तरह टाल होता है, जिसको हवा में आना या झोला भी कहा जाता है। अगर ये बीमारी आपके घर पे हो जाए तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे? मतलब घर से ये जो वायरस का, ये एक वायरस का अटैक होता है, इस वायरस के अटैक को आप घर पे कैसे रोकेंगे? तो ये सिंपल सा दो मेथड है, सिर्फ दो मेथड दोस्तों। ये मैंने 2023 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मूला है, रिजल्ट मिला है इसका, इस मेथड का। तो आगे मैं पूरा बताऊंगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। और उससे पहले सबको थैंक यू, शुक्रिया करना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे 20,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं एक साधारण इंसान हूँ, ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ या फिर कोई उस्ताद भी नहीं हूँ। सिर्फ थोड़ा सा जो भी मेडिसिन का रिसर्च वगैरह करता हूँ, जो मुझे खुद रिजल्ट मिलता है, वो ही मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहता हूँ। तो ये एक बहुत ही सीरियस गंभीर प्रॉब्लम होता है, जो हम हर कबूतरबाज के लिए, ज़्यादातर लोग इस बीमारी के चक्कर में कबूतर पालना ही छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर ये बीमारी क्या होता है, अटैक करता है आपका ये जब ठंड से गर्मी आता है, ज़्यादातर फरवरी मार्च और अप्रैल महीने पे होता है, या फिर जब गर्मी से ठंड आ रहा है उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन हाल ही पे कुछ सालों से पूरे साल में कहीं ना कहीं ये बीमारी किसी के ना किसी के लॉट पे, घर पे अटैक करता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, सबसे मोस्ट जो दो मेथड फार्मूला है, सबसे ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिला। मैंने कुछ नए कबूतर खरीद के लाया था मार्केट से, वो लकवे में था, मतलब वो इन्फेक्टेड थे, तो उसको मैंने लेके आया, उस पर मैंने ट्रीटमेंट किया। तो वो बताने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भाई जिनके घर पे ये कबूतर बीमारी पे आता है या अटैक करता है, तो प्लीज़ उन कबूतरों को कहीं फेंकिए मत, किसी को मत दीजिए। बहुत सारे लोग डरते हैं, और YouTube पे ऐसे भी कहा जाता है कि इन्फेक्शन है, फैलेगा। हाँ, फैलता ज़रूर है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का जो निजात है, या कह सकते हो जो फॉर्मूला, वो मैंने ढूंढ लिया है। ऑलरेडी पहले दो वीडियो मैंने बनाया था, फर्स्ट एक नेक ट्विस्टिंग वाला, वो लगभग 60,000 के ऊपर व्यूज़ जा चुका है। और सेकेंड एक बनाया था जो स्प्रिंग टाल होता है, ऐसे झोला जो स्प्रिंग टाल, तो उसका भी मैंने बनाया था, 22,000 के करीब व्यूज उसका जा चुका है। और जो मैंने दिखा अपने प्रैक्टिकल थेरेपी दिखाया, लेकिन अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, ये सबसे डिफरेंट और यूनिक फॉर्मूला है दोस्तों। तो फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके घर पे ये बीमारी का अटैक होता है, कुछ कबूतर लकवे में या झोले पे चले भी गए, तो उसको चाहे तो उसको कहीं पे सेपरेट कर दीजिए। आपके घर पे जो बाकी कबूतर है उनसे सेपरेट कर सकते हैं। ज्यादातर मैं करता नहीं हूँ, सेपरेट मैं इसीलिए करता हूँ ताकि जो फिट तंदुरुस्त कबूतर होते हैं, वो जो इन्फेक्टेड या बीमार, जिसका गर्दन टेढ़ी हो गया या झोले में आ गया, उसको ठोकर मारता है, हमेशा तंग करता है, इसलिए मैं अलग करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये बीमारी का है, इससे भी फैलेगा। हाँ, सीबीआर अगर केस है, अगर आप चाहते हो तो साइंटिफिकली उसको अलग करना ही सही होता है। यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियोस है, अगर आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको यही दिखाया जाएगा कि लकवा कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे न्यूरोबियन फोर्ट, ज़्यादातर यही दिखाया गया, मैंने भी दिखाया था, लेकिन बहुत बाद में वो प्रोसेस मैंने बताया था, पहले नहीं बताया था। सिर्फ यही कहते हैं कि सिर्फ 5 रुपए पे आपका कबूतर पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों, ये प्रोसेस होता है। या फिर कोई कहता है कि एप्टोइन दे दो, इंसानों को जब मृगी का दौरा पड़ता है तो वो दवाई दिया जाता है, लेकिन उससे कबूतर का जो ये इन्फेक्शन होता है, ये ठीक नहीं होता। और कई कबार दिखाया जाता है कि इंजेक्शन गर्दन पे या इंजेक्शन पुश कर दो, लेकिन वो भी नर्वस सिस्टम का इंजेक्शन होता है, लेकिन इन्फेक्शन को खत्म नहीं करता। और एक मेडिसिन है जिसके बारे में बोलना चाहिए, वो है ZEEFY.O। यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा कबूतर के लकवे झोले बीमारी का इलाज, तो उस टाइम पे मैंने वो वीडियो देख के मैंने ट्रीटमेंट किया था। उस टाइम पे मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं भी दूसरों का भी वीडियोस देखता था, तो वो वीडियो देख के मैंने वो मेडिसिन लेके आया ZEEFY.O। 100 mg का डोज खा गया था, तो हमारे यहाँ पे 100 mg नहीं मिल रहा था, मैंने 50 mg लाया था, मतलब उससे भी आधा डोज का। तो मेरे उस टाइम पे 6 कबूतर लकवे झोले पे आए थे, 2 थे साइड टाल या जिसको गर्दन टेढ़ी कहते हैं, और 2 था झोला जिसको हम यहाँ पे कोलकाता में स्प्रिंग टाल कहते हैं। ये 2 थे, मतलब 2 और 2 4, और बाकी और जो 2 थे वो भी स्प्रिंग टाल में ही थे, तो मैंने उनको मेडिसिन नहीं दिया था। 6 में से सिर्फ 4 कबूतर को मैंने ये मेडिसिन दिया था, सुबह एक बार डोज देने से ही मैं दोपहर को जब काम से वापस आया, देखा कि 4 कबूतर डेड हो गए। तो कबूतर ठीक होना तो दूर की बात है, एक ही डोज में, सिर्फ एक फर्स्ट डोज में ही मेरे 4 के 4 कबूतर ही एक्सपायर हो गए। लेकिन 2 कबूतर को मैंने मेडिसिन नहीं दिया था, कि सोचा कि नया मेडिसिन है, इसका कोई नॉलेज नहीं है, मैंने उनको दिया। तो मेडिसिन स्टोर जहाँ से मैं ये मेडिसिन लेके आया था, वो भी पहले कबूतर पालते थे, थोड़ा बहुत उनको भी मेडिसिन का नॉलेज है। तो उनको जाके मैंने जब पूछा तो बोला, क्यों आपने ये मेडिसिन दिया, ये तो इस बीमारी के लिए है ही नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसे सोशल मीडिया पे देख के, तो उन्होंने कहा, क्यों ये सब के चक्कर में पड़ते हो, ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है,
व्यूज सब्सक्राइबर बनाने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहते, तो मुझे बहुत बुरा लगा, उन्होंने मुझे उल्टा मुझे कुछ बातें सुना दिया। देखिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत, ये इस झमेले पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ अपने पर्सनल या प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पे ही वीडियो बनाता हूँ। वो गलत है मैं सही कभी ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ही आपको ट्रीटमेंट वगैरह बताता हूँ। तो बात यह है कि कोशिश करें जो कबूतर के शरीर पे जो इन्फेक्शन या वायरस का अटैक होता है वो वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करें। हालांकि वायरस का कोई मेडिसिन नहीं होता, ये आज तक क्लिनिकली कोई मेडिसिन नहीं मिला, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा उसमें रिजल्ट मिला है दोस्तों। जब आप ये सीख जाएंगे मेरी तरह आप भी एक्सपर्ट बनेंगे और बहुत सारे कबूतरों का बचा पाएंगे, और ये जो लकवे झोले का डर रहता है ना लोगों के बीच, ये डर भी ख़त्म हो जाए। और सिर्फ दो मेथड है दोस्तों, 25 से 30 दिन या फिर 40 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपके घर से पूरा ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और यही मेडिसिन खिलाने से भी बहुत सारे कबूतर के लकवे ठीक भी हो चुके हैं, कोई न्यूरोबियन फोर्ड या कोई इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरा दिखाता हूँ क्योंकि शाम हो रहा है, तो चलिए वो मेडिसिन का क्या फॉर्मूला है आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। तो व्यूअर ज़्यादातर जो ऐसे लकवे झोले जो भी होते हैं उस टाइम पे जो एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है वो था ये एंड्रोवेट एंड्रोफ्लॉक्सासिन जो 10% सोल्यूशन वो वाला। लेकिन दोस्तों ये वाला मेडिसिन आज के टाइम पे काम नहीं कर रहा है, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो कबूतर सुस्त पड़ जाते हैं या ग्रीन पॉटी कर रहा है, ग्रीन बीट हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या ठंड लग गया, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है चैनल पे, जाके आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो लकवे का या झोले का जो इन्फेक्शन घर पे या वायरस का अटैक होता है, ये मेडिसिन से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कौन सा मेडिसिन दे वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देखिए वीडियो पे। देखिए व्यूअर्स ध्यान से देखिए, यही वो मेडिसिन है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। ये है नियोडॉक्स फोर्ट पाउडर, और इसका और एक सब्सटीट्यूट है वेंडॉक्स एन, ठीक है। कंपनी अलग है, आप फोटो देख लीजिए, कंपनी अलग है, लेकिन जो कंपोजिशन है ये है नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन सोल्यूबल पाउडर। आप कहेंगे कि भाई आपने तो बहुत सारे वीडियो पे एक ही मेडिसिन आप दिखा रहे हो, तो मैं कहूँगा कि भाई मेडिसिन ही कुछ ऐसा हाथ मिला है दोस्तों, ये बहुत सारे चीज़ों पे काम आ रहा है। स्पेशली ये जो लकवे का प्रॉब्लम हो रहा है कबूतरों को, लकवे में भी काम आ रहा है। मैंने बाई ट्रायल ये इस्तेमाल किया था और मुझे रिजल्ट मिल गया, यहाँ तक कि जो गर्दन पूरा टेढ़ी हो जाता है, गर्दन पूरा ऐसे टेढ़ी होता है या स्प्रिंग की तरह जो हिलता है उसको भी ठीक कर दिया। न्यूरोबियन या जो भी दिया जाता है लकवा, मतलब गर्दन जो हिलता है वो ठीक करने के लिए, नर्वस सिस्टम ठीक करने के लिए, उसका भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये एक एंटीबायोटिक कर रहा है। ये वेटरनरी पोल्ट्री है, देख लीजिए दोस्तों ध्यान से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके लोकल पे ये ब्रांड नहीं मिलता तो दूसरा कोई लेना, लेकिन ये आता है देखिए नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन सोल्यूबल पाउडर। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कबूतरबाज है आज के टाइम पे या वीडियो देख रहे, कोई भी उड़ने वाले कबूतर हो या फैंसी कबूतर, ये एक मेडिसिन पैकेट खरीद के घर पे रख लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं कोई प्रमोशन या स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे से ही मेडिसिन खरीदता हूँ। आप मान लीजिए एक कबूतर का दिखा रहा हो जिसका लकवे में अटैक पे आ चुका है, तो उसका आप कैसे ट्रीट करोगे? ऐसा ही कोई बॉल लेना है, ठीक है, कोई स्टील का बर्तन पे कभी मेडिसिन मत घोलना, उससे मेडिसिन का रिएक्शन होता है। और एक बात कि मेडिसिन खोलने के बाद बहुत सारे लोग कट करने के बाद ऐसे ही खुला रख देते, उससे भी मेडिसिन ख़राब होता है, या अगर छत पे रखेंगे धूप में हीट में तो भी ये मेडिसिन ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है, कट करने के बाद ऐसा कोई क्लिप लगा लीजिएगा जिसको जेंस क्लिप कहा जाता है, ठीक है। करने के बाद ऐसा कोई एक एयर टाइट डब्बा ले लीजिएगा, मेरा बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारे पुरानी चीज़ भी है, ये मिल्टन कंपनी का है, ब्रांडेड एयर टाइट डिब्बा होता है, इसमें मैं मेरा 3 गोल्डन मेडिसिन भी रखता हूँ, तो इसमें हवा नहीं जाता, ठीक है, ब्रांडेड कंपनी का लीजिएगा, हवा नहीं जाता क्योंकि हवा घुस गया तो मेडिसिन ख़राब हो जाएगा, ऐसे रखना है। अब जैसे मैंने कहा एक कबूतर को कितना देना है, मैं एक कबूतर का हिसाब बता रहा हूँ, अगर 5-6-7 कबूतरों को लगा हुआ है तो उस वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक कबूतर के लिए देखिए एक चुटकी या एक चिमटा जो भी कहे, इन हाथों की उंगली पे जितना मेडिसिन पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा इतना सा मान लीजिए, इतना सा पाउडर, ये पाउडर फॉर्म पे होते हैं, इतना सा आपको पाउडर पानी पे ऐसे घोल लेना है, थोड़ा सा पानी देख लीजिए, और फ्रेश पीने का पानी हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें घोलना है, और ऐसा छोटा सा सिरिंज से अच्छे से इसको घोलिएगा, ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। घोलने के बाद इस सिरिंज से 3 ml, ये देखिए 3 ml का सिरिंज, हमेशा छोटा सिरिंज इस्तेमाल करें, 3-3-6 ml उसको पिला दीजिए, ठीक है, 3-3 करके 6 ml दिन में 2 टाइम पिलाना है, कंटिन्यू 10 दिन देते रहिए, 10 दिन। और इसके साथ चाहे तो ये इलेक्ट्रॉल, ये इलेक्ट्रॉल ये सैंपल पैक है, चाहे तो आप ऐसे इसको पिन करके, जैसे मैंने दिखाया था ऐसे जेंस क्लिप लगा के पिन करके आप रखिएगा एयर टाइट डिब्बे पे, इसमें भी हवा नहीं लगना चाहिए, अगर हवा लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। देख लीजिए इलेक्ट्रॉल, बहुत सारे लोग ORS इस्तेमाल करते हैं, ये भी ORS बेस्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉल कबूतरों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसका कंपोजिशन देख लीजिए, इसका भी एक चिमटा एक चुटकी जितना हो लीजिएगा एक कबूतर का, अच्छे से इसको मिक्स करें,
कम से कम 10 दिन दीजिए। 10 दिन देने के बाद एक दिन गैप दीजिए। देखिए दिन में 2 टाइम, ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, दिन में 2 टाइम, और शाम के टाइम पे थोड़ा सा भीगा हुआ गेहूँ ही खिलाना, ज़्यादा नहीं खिलाना है, थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम पे पोट जाम या उल्टी वगैरह भी होता है। अगर उल्टी होता है तो क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, उल्टी होने के टाइम पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नियोपेप्टाइन दीजिए या कोई एंजाइम टॉनिक के बारे में बोलता है, लेकिन मैं कहूँगा वो सब मत दीजिए। उस टाइम पे कबूतरों को प्रोबायोटिक दीजिए, ये ह्यूमन मेडिसिन पे मिल जाएगा। ये देखिए लैक्टिक एसिड बेसिलस पाउडर, अभी अगर बाहर से जैसे नेपाल पाकिस्तान या बांग्लादेश से है तो इसका कंपोजिशन आप देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा देना है, इसका भी एक चुटकी, इतना सा, थोड़ा सा, ये भी ड्राई पाउडर फॉर्म पे होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन रहता है पानी मिलाने का, लेकिन आपको पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि पानी मिलाएंगे तो 7 दिन पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपको मिला के देना है, सेम टू सेम वो नियोडॉक्स फूड पाउडर, थोड़ा सा एक चिमटा दिया, इलेक्ट्रोल एक चिमटा या एक चुटकी दिए, और ये एक चुटकी। तो ये तीनों चीज़ मैंने दिखाया, नियोडॉक्स फूड, इलेक्ट्रोल और ये आपका विजिलैग, ये तीनों 50-50 रेशियो में मिला के जो स्पेशली ज़्यादा इन्फेक्टेड है, बीमार है, उसको मिक्स करके दिन में 2 टाइम दीजिए, और शाम के टाइम थोड़ा सा भीगा हुआ गेहूँ दीजिए। चना सत्तू बिल्कुल मत दीजिए, ये भी एक गलत चीज़ कहा जाता है, बीमार या वायरस के अटैक में आए हुए कबूतर को कभी चना मत खिलाए, वो पोट जाम होकर मर जाएगा, ठीक है। ये गया एक कबूतर का, कम से कम 10 दिन कीजिए, एक दिन का गैप दीजिए, फिर और 10 दिन दीजिए, देखिएगा आपका कबूतर धीरे धीरे 10-10-20 दिन हो गया तो कबूतर आपका लकुए से आना, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो फिर से 2 दिन का गैप दीजिए, फिर से ये मेडिसिन का आप कंटिन्यू करें, लेकिन याद रखें हमेशा इलेक्ट्रोल मिला के दीजिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का भी साइड इफेक्ट होता है। अभी बताता हूँ घर के जो बाकी कबूतर है उसको कैसे आप बचाएंगे इस बीमारी से। अब जो आपके घर पे बाकी कबूतर है जो अभी बीमारी पे नहीं आए लेकिन आगे बीमारी पे आने का खतरा रहता है, तो उनको एक कोर्स करवाना पड़ता है, वो क्या है वो ध्यान से देखिए। ये जो नियोडॉक्स पाउडर है, ऐसे आपको ये 2 लीटर का एक बॉटल लेना है, आपको देख लीजिए, ये थोड़ा छत पे रहता है इसीलिए थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन अंदर पूरा साफ़ सुथरा है। तो फ्रेश, हमेशा कोशिश करें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, जो आप खुद पीते हो वो पीने का पानी कबूतरों को पिलाया करें, नल या कुएं का पानी, मतलब कुएं का पानी कभी मत दिया करें, ये मुझे एक डॉक्टर ने ही सिखाया था। अगर पॉसिबल हो, अगर ऐसा बीमारी हो रहा है पॉसिबल हो तो पानी को थोड़ा बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए, उसमें मेडिसिन घोल पे कबूतरों को दीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे एक वेटरनरी डॉक्टर ने ही सिखाया था। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रेश जो पीने का पानी, जो फिल्टर वाटर होता है, उससे आप ये मेडिसिन बनाएं, ठीक है। तो इसमें देना कितना है, 2 लीटर पानी पे लगभग 1/2 टीस्पून, ठीक है, इतना सा 1/2 टीस्पून, एक जो चाय का चम्मच होता है उसमें से आपको 1/2 टीस्पून इसमें घोलना है। ध्यान से सुनेगा, फिर से कह रहा हूँ, ये जो नियोमाइसिन या नियोडॉक्स फूड जो पाउडर है या फिर वेंडोक्सेन अगर आप लेते हो, 2 लीटर पानी पे 1/2 टीस्पून, जब आपका बीमारी चल रहा है इसको अच्छे से घोलना है। कबूतरों को भूखा प्यासा रखिए, कबूतर को थोड़ा सा खाना दीजिए, देने के बाद पानी को कम से कम 15 मिनट बोतल पे बनने दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए, इसको सनलाइट में मत रखिएगा, छांव पे रखिएगा, पूरा कम से कम 15 मिनट में अच्छे से पानी पे ये घुल जाता है ये पाउडर। तो कम से कम 10 दिन लगातार, दिन में 2 टाइम, सुबह और शाम, दिन में 2 टाइम इसका कोर्स कराए, 10 दिन कंटिन्यू आपको करवाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे कोई कैल्शियम इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई भी कैल्शियम टॉनिक वगैरह जो होता है कैल्शियम बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम की वजह से एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। कम से कम 10 दिन का कोर्स कराना है, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन का गैप दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एंटीबायोटिक है। उस टाइम पे आप क्या करोगे वो आपको मैं बताता हूँ। 10 दिन मान लीजिए, दिन में 2 टाइम आपने पूरा दिया, उसके बाद 2 दिन गैप के बाद आप एक काम कीजिएगा, सुबह के टाइम ये लीफ 52 देख लीजिए, ये ह्यूमन वाला सिरप है, पूरे इंडिया पे सबसे ज़्यादा सेल होता है और हर कोई जानता है, और जो नहीं जानते बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, देख लीजिए इसका कॉम्पोजिशन, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। एक आता है लीफ 52 प्रोटेक, वो प्रोटेक आपको नहीं लेना है, आप ये लीजिएगा, क्योंकि प्रोटेक में सिर्फ 7 या 9 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और इसमें 13 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, देख लीजिए, ये नेचुरल या फिर कह ले यूनानी जो भी होता है, हम आयुर्वेदिक कहते हैं, आयुर्वेदिक फार्मूला होता है, ये बहुत अच्छा होता है कबूतरों के लीवर के लिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक कोर्स करवाने के बाद कबूतरों के लीवर पर प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रोटॉन दे रहे हैं, लेकिन ब्रोटॉन मत दीजिए इस टाइम पर, लीफ 52 सबसे बेस्ट होता है, लेकिन प्रोटेक मत दीजिएगा, ये ह्यूमन वाला ही दीजिएगा। तो ये आपको देना कितना है, 2 लीटर पानी पे ये एक ढक्कन पूरा घोल लीजिएगा, ठीक है, एक ढक्कन लगभग 4 ml हो जाता है, 4 ml पूरा आपको घोलना है, सेम प्रोसेस है, छांव में रखिएगा, 15 मिनट इसको घोलने दीजिए, फिर कबूतरों को भूखा प्यासा रखिए, सुबह के टाइम इसका कोर्स कराए और शाम के टाइम फिर से 10 दिन इसका कोर्स कराए। पहले कहा था दिन में 2 टाइम, लेकिन 10 दिन होने के बाद, 2 दिन गैप के बाद आपको ये सिर्फ शाम को देना है और सुबह ये 10 दिन का कोर्स कराए। लगभग 10-10-20 दिन का कोर्स अगर हो जाए तो देखिएगा आपके घर पे कबूतरों का जो ये वायरस है ये कंट्रोल पे आएगा।
ठीक है, फिर आप दो दिन देखिए क्या हो रहा है, फिर चाहे तो और 10 दिन नहीं 7 दिन का कोर्स कराए, तो आपका लगभग 27 दिन का कोर्स हो जाएगा। बस मैं उम्मीद करूंगा आपका जो ये वायरस है कंट्रोल पे आएगा। फिर नेक्स्ट मंथ चाहे तो फिर से इसका सेम टू सेम कोर्स कराए। ये गया फर्स्ट मेथड। अब मैं आता हूँ जो सेकंड मेथड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये है सेकंड मेथड। ये लोग हमेशा भूल जाते हैं, मेडिसिन तो बहुत लोग देते हैं लेकिन फिर भी घर से वायरस नहीं जाता। लेकिन आज के टाइम पे मैं कहूँगा घर से अगर वायरस दूर करना है तो डिसइंफेक्टेड स्प्रे बहुत ज़रूरी है। और कबूतरों का जो भी ये रोग वोग जो बीमारी होता है, ये लकवा झोला या फिर पॉक्स या कोई ग्रीन वाइट डायरिया का जो प्रॉब्लम, उसमें सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिलता है वो है ये बायोबस्टर। अगर बायोबस्टर ना मिले तो उसका और एक है, देखिए विरकॉन स्प्रे। मैं पहले विरकॉन स्प्रे दिखा चुका हूँ। विरकॉन स्प्रे लगभग आज के टाइम पे हर कोई जानता है, ये एक अमेरिकन प्रोडक्ट है। अच्छा इसका कॉम्पोजिशन एक बार देख लीजिए, ये देखिए मोनोपर सल्फेट कॉम्पाउंड, ठीक है एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये 100 ग्राम्स का आता है और इसका प्राइस है 500 रुपये, ठीक है बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये मैंने ढूंढा है बायोबस्टर, सेम टू सेम कॉम्पोजिशन देख लीजिए यहाँ पे, ये भी है देखिए पोटाशियम मोनोफर सल्फेट, जो भी है उसका सेम टू सेम है। लेकिन ये 500 ग्राम का आता है, देखिए 500 ग्राम सिर्फ 523 रुपये। और ये बहुत अच्छा है दोस्तों, ये ड्राई पाउडर फॉर्म पे होते हैं, तो ये मुझे नहीं पता था। मैं पहले विरकॉन स्प्रे इस्तेमाल करता था। हमारे कोलकाता में एक मैंने वीडियो बनाया था वेटरनरी शॉप कोमला मेडिकल करके, तो कोलकाता ये श्याम बाजार के पास ही है दुकान, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया था, तो मैं वहाँ से खरीद के लेके आता हूँ। अगर आप कोलकाता से देख रहे हो तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा विद 10% डिस्काउंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर कोलकाता के बाहर वेस्ट बंगाल या इंडिया के कहीं और से आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ऑल इंडिया डिलीवरी मैंने और एक वीडियो बनाया था वेटरनरी शॉप मेडिचेम करके, वो ऑल इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर, कश्मीर में भी डिलीवरी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये मिलता है या फिर अगर आप खुद कहीं से खरीदना चाहते हो तो कोशिश करिए, तो आपका पैसा सेविंग होगा। अगर आपको बाय चांस ये नहीं मिल रहा है तो ये ले लीजिए, ये अभी ऑल ओवर इंडिया पे हर जगह पे अवेलेबल है विरकॉन स्प्रे, ठीक है। तो अभी इसको देना कैसे, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो वीडियो बनाते बनाते शाम हो गया, मुझे इस टाइम पे ही टाइम मिलता है, सुबह टाइम नहीं होता। तो मान लीजिए ये एक बॉटल मेरे घर पे रहता है, ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स का बॉटल है, ये 1.2 लीटर का बॉटल है। ऊपर ऐसे स्प्रे लगा लीजिए और इस तरीके का स्प्रे लेने की कोशिश कीजिए। ये आपको जहाँ पे फ्लावर प्लांट्स, जहाँ पे एक्सेसरीज मिलता है वहाँ पे इजीली ये आपको मिल जाएगा, और ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है। और इससे भी बड़े साइज़ का आपको स्प्रेयर मिलता है, जिनका जैसा बजट है मैं दिखाता हूँ। ये सिर्फ मुझे 40 रुपये का पड़ा और बोतल तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स का आता है। तो ये देखिए मैंने घोल के भी रखा था, आज सुबह स्प्रे किया था लॉफ्ट पे, ठीक है। तो करना क्या है, मान लीजिए ये आपके कबूतरों का लॉफ्ट है, ठीक है, घर अच्छे से साफ करें, गंदा पॉटी के ऊपर कभी स्प्रे मत करें, ये अच्छा रिजल्ट नहीं करेगा। अच्छे से थोड़ा पानी छिड़का के अच्छे से इसको साफ कर लीजिए, पत्ती से वगैरह साफ कर लीजिए। लेकिन ये जब इस्तेमाल करेंगे घर पे कोई फिनाइल डेटॉल मल दीजिएगा, फिनाइल डेटॉल से कुछ नहीं होता दोस्तों, मैं करके देख चुका हूँ, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर फिनाइल डेटॉल देंगे तो इसका असर ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो ये अच्छे से मान लीजिए आपने साफ कर लीजिए, देखिए इसमें कुछ घुला भी है, ये मान लीजिए कबूतरों के लॉफ्ट का स्प्रे है, आपको ऐसे स्प्रे करना है। और घर के अंदर दाना पानी मतलब वाटर फीडर या ड्रिंकर कुछ भी नहीं रखना है, ये अच्छे से स्प्रे करें। और ये हार्मफुल नहीं है। और एक बात, बहुत सारे लोगों का ये इंक्वायरी रहता है क्या ये हार्मफुल है, मैं कहूँगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है। तो आप घर के अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, लॉफ्ट पे अंदर भी आप स्प्रे कर सकते हो, हाँ, लेकिन कोशिश करें बच्चों के शरीर पर स्प्रे मत करें, उसके आँख पर स्प्रे मत कीजिए, उसको थोड़ा हटा दीजिए, उसके बाद ऐसे घर के अंदर पूरा स्प्रे करें। और कोशिश करें, ये मान लीजिए घर के लॉफ्ट का कोना है, कोना के अंदर अच्छे से साफ करें, क्योंकि कोना में ही वायरस छुपता है, तो अच्छे से स्प्रे करें। हफ्ते में 3 बार, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर पे वायरस का अटैक हुआ है तो हफ्ते में आपको 3 बार कंटिन्यू, एक दिन छोड़ के 3 दिन आपको कंटिन्यू करना है लगातार। जब 1 महीना कंटिन्यू आप कोर्स करेंगे, देखेंगे आपके घर के जो वायरस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कोशिश करें सुबह अर्ली मॉर्निंग कीजिए, सनलाइट नहीं लगना चाहिए, धूप में मत करें या ठंड के टाइम पर रात को बिल्कुल मत कीजिए, घर और ठंडा हो जाएगा, कबूतर बीमार पड़ जाएंगे। जब आपके घर पर ये वायरस कंट्रोल पर आएगा तो हफ्ते में 3 दिन की जगह आप 2 दिन करें, फिर जब पूरा नॉर्मल हो जाएगा हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें, महीने में 4 बार या फिर 5 बार होता है, लेकिन हफ्ते में 1 बार मैंडेटरी आपको ये स्प्रे करना ही है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा मेन जो था ये 2 ही मेथड था, ठीक है, ये जो मैंने आपसे कहा था। तो वीडियो के फर्स्ट में मैंने जैसा कहा था 2 मेथड, यही वो 2 मेथड है। अभी इस दोनों का भी मैंने सब्स्टिट्यूट दिखा दिया, इस पाउडर का भी मैंने सब्स्टिट्यूट का फोटो दिखा दिया, जैसे विंडोक्सिन, और उसके साथ साथ जब ये थोड़ा कंट्रोल पे आए तो एक्स्ट्रा मैंने ये लीफ 52 के बारे में जानकारी दिया। तो रिक्वेस्ट है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, और पिजन के जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कबूतर बचे। और लकवे झोले से जो लोग डरते हैं या कबूतर पालना छोड़ देते हैं, ताकि आगे कबूतर पालना ना छोड़े, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें, आगे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। तो वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो इसका भी सेकंड और थर्ड पार्ट बनाऊंगा कि कबूतर मान लीजिए ठीक हो गया लेकिन गर्दन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, उस गर्दन को आप कैसे ठीक करोगे, नॉर्मल पुराने जैसे आप कैसे बनाओगे, तो वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।